नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। तापमान 40 के पार जा चुका है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिन के साथ साथ रात में भी आग बरस रही है। अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तपिश के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गर्मी के सितम से सड़कों से लेकर बाजारों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ते पारे के साथ लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया है। तापमान में बढ़ोतरी को लेकर लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। एक तरफ लोग इस सितम से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी से परेशान लोग अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजरें टिकाए बैठे हैं कि कब मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर सामने आएगी। गर्मी की मार से त्रस्त लोग अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे पास पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं। इसके साथ ही किसान नेता राव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्मी की मार हर वर्ग पर देखने को मिल रही है। स्वामी इंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नदाता पर मौसम का क्या असर देखने को मिल रहा है। देखिए भावना जी, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आज मौसमों के अंदर जो तब्दीली आई है, भले वो सर्दी काल का मौसम हो तब अधिक सर्दी पड़ जाती है, भले ये गर्मी ग्रीष्म काल का मौसम हो तो अधिक गर्मी पड़ जाती है, और पूर्व अनुमान से भी कई गुना आगे गर्मी का बढ़ना ये चिंता का विषय हो चुका है कि 52 डिग्री से ऊपर हम तापमान भारत वर्ष में देख चुके हैं। 7 लगते देशों के अंदर बेमौसमी बरसात, बाढ़ जैसी स्थिति, तमाम ऐसी स्थितियों का जो है सामना किसान को करना पड़ रहा है, भले वो भारत का हो, हरियाणा प्रदेश का हो या कई राज्य का हो। तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली जो है अन्नदाता ही परेशान नहीं है, आमजन भी परेशान है, और हमारे किसान जो बिरादरी हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है, इसके अंदर हमारा जो है मछली पालक किसान भी होता है, इसके अंदर हमारा जो है दुधारू पशु जो रखते हैं वो दूध वाला किसान भी होता है, इसके अंदर हमारा जो मांस का जो जैसे आप मुर्गी अंडे का काम जो करते हैं हमारे किसान साथी वो भी होते हैं, इसके अंदर हमारे जो अन्नदाता जो गेहूं लगाता है, धान लगाता है, इसके अंदर वो किसान भी होते हैं। सभी किसान जो है हमारी जाति के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि अधिक गर्मी पड़ने से जो है अपना जो मुर्गी पालक किसान है उसकी मुर्गियां जो है बेवजह उनकी जो है दुर्दशा हो रही है, वो मर रही है, उनको वो बचा नहीं पा रहे गर्मी की वजह से, पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे ही हमारी जो फसलें हैं वो खराब हो रही, सब्जी उत्पादक किसान सब्जी खराब हो रही है, आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। साथ ही जो किसान अब अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप पता है कि 15 जून के बाद किसान जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर धान की रोपाई कर देता है, हमारी जो है धान की जो फसल है वो जो धान की जो पनीरी है वो तैयार पड़ी है लगाने के लिए, खेतों में किसान कद्दू कर रहा है लगाने के लिए ताकि वो समय पर उसकी बिजाई कर सके, पर पानी की जो अभाव होने की वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि शायद अब सरकार तो नहीं सुन रही, परमात्मा सुन ले, मौसम विभाग के जो आकलन आ रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में बरसात होगी, आज का दिन हो दे रखा था कि 15 तारीख को बरसात, 16 तारीख को बरसात हो जाएगी, नहीं हो पाई। अब जो है पूर्वानुमान आया कि वीरवार तक बरसात होने की संभावना है, तो हम तो अब आकाश की तरफ निगाहें टिकटकाए बैठे हैं कि परमात्मा इंद्रदेव का बरसें और हमारे खेतों में कबरेली आए और जनमानस को जो है राहत की जो है एक उम्मीद बनी कि अब जो गर्मी के दिन टल जाएंगे, तो ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम सरकार से ये कहेंगे कि अगर समय रहते भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर एक संयुक्त प्रयोग अपना प्रोग्राम किया होता, ये जो हमारी यमुना नदी है हर साल देश की राजधानी को डुबोने का काम करती है, अगर इसी नदी को हम सही समय पर बांध लेते हैं, उसका जो हम चकबंदी कर देते चाहते तो इस नदी के अलग अलग जगह पे हमने वाटर जो सेंचुरी बनाई होती, तो वो पानी आज हमारे काम आता, जो दिल्ली में से होता हुआ बह गया, आज हमारे पास वो पानी नहीं है, और उस पानी को सरकार ने संभाला होता, SYL के मुद्दे को सरकार ने समझा होता,
सरकार ने जो है दादूपन नलवी नहर को समझा होता, डी नोटिफाइड ना किया होता, आज वो पानी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पास होता, उस पानी से हम खेत भी लहरा रहे थे और आम जन को जो पानी की किल्लत हो रही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से आज वही दिल्ली प्रदेश है जो हमने कुछ महीने पहले आपके चैनल पे हमने चर्चा की थी कि दिल्ली जो है यमुना की वजह से डूब गई, अब वहाँ पानी पानी हो गया, आज वही दिल्ली है देश की सबसे देश की राजधानी और सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली आज पानी के लिए तप रही है। ऐसी ही हरियाणा की स्थिति है, हरियाणा के अंदर भी आज हमारे पास पीने को पानी की किल्लत का आमजन को सामना करना पड़ रहा है और किसान को खेती के अंदर जो उसकी मुश्किलें आ रही हैं, ये तमाम जो घटनाएं हैं 21वीं सदी के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं, बड़ी ही दुखदायी है और निंदनीय है कि सरकार ने इस पर समय रहते क्यों नहीं काम कर। जी स्वामी इंद्र, देखिए मौसम को तो बदला नहीं जा सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ राहत के कार्य करके जरूर ही पहुंचाया जा सकता है। तो क्या कुछ राहत कार्य है, क्या कुछ फैक्टर्स है जिन पर काम कर लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है? बिल्कुल, मैं इस बात की अभी कदर करता हूं कि आपने मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की। मैं देश की प्रदेश की सरकारों को कहना चाहता हूं कि एसवाईएल का जो मुद्दा हम बार बार देश में उठाते हैं, वो एसवाईएल सतलुज यमुना लिंक नहर ना होकर वो जो है सरदा यमुना लिंक नहर है जो नेपाल से पानी जो आए वर्ष भारत के अंदर आता है और अपना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा डुबोने का काम करता है, उस नदी को हम चैनलाइज कर देते, उस पानी को हम रिजर्व वाटर में कन्वर्ट कर उसको उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए इसको हरियाणा, हरियाणा से होते हुए इसको राजस्थान, राजस्थान होते इसको गुजरात तक, जहां मोदी खुद गुजरात से आते हैं, आज गुजरात का हिस्सा भी सौराष्ट्र का हिस्सा जो है इस गर्मी, भीषण गर्मी की चपेट में है। और आज मैं कहना, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आज पूरे भारत की राजनीति पानी के ऊपर केंद्रित हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर जो अगला चुनाव आने वाला है विधानसभा का, वो पानी के ऊपर होने वाला है। वो स्थिति हरियाणा में ना हो जाए कि हरियाणा के लोग भी पानी के लिए त्राहिमान त्राहिमान करें, समय रहते सरकार इस परियोजना को सही सुचारू रूप से लागू कर दे, दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई जो किया हरियाणा सरकार ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नैर सिंह सैनी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से दादूपुर नलवी नहर निकलती है, सबसे बड़ी राहत तो उनके क्षेत्र को मिलने वाली है। अगर वो नारायणगढ़ क्षेत्र को राक्षी नदी को जोड़ने का काम करें, उस नदी को घुमाते हुए दादूपुर नलवी में घुमाते हुए वो हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के पानी तरफ पानी को ले जाएंगे, तो हरियाणा के लोग उनकी बात को, सराहनीय कार्य को समझेंगे कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों का, आम जन का दर्द समझा, क्योंकि आज हमारी बहनें पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में हमें खड़ी नजर आ रही हैं। अगर आप देहाती क्षेत्र को देखें, हरियाणा प्रदेश को, अगर आप हाईवे के हरियाणा को ना देखकर आप अंदर ले हरियाणा को देखें, जहां पर आज भी पानी की पीने की सुविधाएं हमारे पास नहीं है, उस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री को समझना होगा और प्रदेश और देश की सरकार को समझना होगा कि आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है, दो संकट पूरी दुनिया में आने वाले हैं, इंडस्ट्री संकट बिल्कुल नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ, एक तो फूड जो है वो संकट दुनिया में आने वाला, दूसरा है पीने योग्य पानी। आज आने वाले समय में लोगों के पास पीने योग्य पानी नहीं होगा, इसके लिए सरकारों को काम करना होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, हम उस प्रदेश के अंदर रहते हैं जो तराई का क्षेत्र है, हिमालय के बिल्कुल हम नीचे रहते हैं हरियाणा प्रदेश, और हिमालय की तमाम जो बड़ी बड़ी नदियां हमारे प्रदेश के साथ होकर या साथ वाले प्रदेश होकर गुजरती हैं, भले वो आपकी रावी नदी हो, सतलुज नदी हो, ब्यास नदी हो, भले हरियाणा के अंदर से बाहर निकलती यमुना नदी हो, तमाम ऐसी नदियां, बड़ी विशाल नदियां जो बाद में जाकर एक सागर का काम करती हैं, सागर में तब्दील हो जाती हैं, वो नदियों को अगर हम इसका रिजर्व सेंचुरी बना लेंगे हरियाणा प्रदेश के साथ लगते सीमावर्ती प्रदेशों के साथ मिलकर, तो हरियाणा प्रदेश में सालों साल नहीं, मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ कि हजारों साल हमारे को पानी की समस्या आने वाली नहीं है, सिर्फ हमें काम करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा सरकार और आम जन को मिलकर। जी प्रवीण का रुख कर लेते हैं, प्रवीण मौजूदा स्थिति को लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, गर्मी का कहर जारी है या राहत के आसार दिख रहे हैं? भावना, अगर प्रचंड गर्मी को लेकर बात करते हैं तो स्थिति बाकी बहुत दयनीय है, चारों तरफ गर्मी को लेकर आम जन मानस में त्राहि त्राहि मची हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इसका आवाज और इसकी सूचना पहले थी आम जन लोगों को था कि अब लगातार इस 2024 में कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि होगी और उसके लिए कहने के लोगों को आने वाले समय में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है सरकार अभी तक नहीं चेती है और ना ही जनता के साथ इसका कोई, जैसे कहते हैं आशीर्वाद में बन पा रहा है कि पर्यावरण को बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है,
क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत डायरी स्थिति पैदा कर देगी और सबसे बड़ी स्थिति जो है वो पानी को लेकर उत्पन्न होगी। लगातार जो अन्य प्रदेशों में भी पानी की जो मांग बढ़ने लगी है, आप किस आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इस समय क्या स्थिति हो रही पानी को लेकर, पानी की मांग बढ़ती चल रही है क्योंकि तापमान जो है वो लगातार बढ़ा है, उसको लेकर आम जन लोगों में जो है भयंकर गर्मी को लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है पानी को लेकर, जो जिन घरों में पानी जो तीन समय आया करता था, सुबह दोपहर और शाम को पानी मिला करता था, वो अब एक समय पानी मिलता है, वो भी कुछ समय के लिए पानी आता है और वो भी चला जाता है। उसका मुख्य कारण है कि जो भी बड़े बड़े बोर नदियों के किनारे लगाए गए हैं उनमें जो पानी का स्रोत है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है और नए बोर की सरकार की ओर से कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा रही, जिस कारण लोगों को घरों में पानी की दिक्कत आ रही है और पानी जो आने वाले हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में जो अगर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई भी देखी जा सकती है, तो आने वाले समय पानी और जल युद्ध भी माना जाएगा और जल युद्ध की तरह इसको लड़ा भी जाएगा क्योंकि पानी के बिना कहीं गुजारा नहीं होगा और पानी की स्थिति दयनीय हो रही है। सबसे बड़ी बात पानी के साथ साथ बिजली की समस्या भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, जो पावर हाउस है उनके जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं और गर्म होने के कारण वो बार बार ट्रिप मारे जा रहे हैं और उनको ठंडा करने के लिए विभाग की ओर से कह रहे हैं कि पानी के पाइप से उनको ठंडा भी किया जा रहा है और बड़े बड़े कूलर भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं उनको तापमान से ठंडा किया जाए, नॉर्मल करके उसको दोबारा से बिजली की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलाई जाए, लेकिन वो भी स्थिति फेल हो रही है। लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक जो स्थिति इतनी दयनीय बन जाती है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और इसका खामियाजा जो है वो लोग भी उठा पा रहे हैं क्योंकि ना तो पर्यावरण का कहीं ध्यान दिया जा रहा है, ना पर्यावरण का सहयोग दे रहा है। अक्सर लोग जो बड़े बड़े शोरूमों में जाकर जो अपने घर को राहत देने के लिए एसी जैसे जो मशीनें ले जा रही है, लेकिन वो तो सुविधा ले जा रही है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं तो सामाजिक संगठन और आम जनता सहयोग कहीं नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर आने वाली स्थिति बहुत गंभीर होगी। और लगातार ग्लोबल वार्मिंग भी दी जा रही है और ये आज से नहीं दी जा रही, बहुत लंबे समय से दी जा रही है कि अब आने वाले समय में स्थिति तो बिगड़ेगी क्योंकि 1 से 1.5 डिग्री तापमान जो बताया गया था बढ़ेगा और वो ही बढ़ चुका है। लेकिन मानसून को लेकर हम बात कर लेते हैं, मानसून के इंतजार तो हर लोग का हर आदमी करता है, किसान से लेकर आम लोग इस मानसून के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन मानसून जो है स्थिति अपने हिसाब से चल पाएगा, लेकिन वो भी उसकी भी चाल अभी थोड़ी सी बताई जा रही कि काफी मध्यम बताई जा रही है, जिस कारण जो समय बताया गया था 15 से लेकर जो 20 तारीख के बीच में कहीं बरसात की संभावना बताई गई थी वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन आंधी जरूर चल रही है, लेकिन बादल जरूर बन रहे हैं, लेकिन बरसात अभी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर किसान जो है अपने धान की पौध को लेकर खेतों में बोने की तैयारी में तो बैठा है, लेकिन पानी की ना कमी के कारण वो धान भी नहीं बो पा रहा है क्योंकि लगातार जमीन में इतनी तपस है, इतनी गर्मी है, किसान घर से तो खैर खेतों में कैसे पहुंच पाएगा, तो स्थिति बड़ी जो है आने वाले समय में काफी दिक्कत रहेगी। तो इंसान को अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचना होगा ताकि पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास भी करने होंगे ताकि तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी है उसमें कहीं ना कहीं कटौती लाई जा सके। जी भावना स्वामी इंद्र, आपसे जानना चाहेंगे तापमान में बढ़ोतरी के साथ सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, इसका क्या कुछ कारण है? मैं पहले भी पूर्व बता चुका हूँ कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुशल कार्य वो नहीं हो पाए, मंडियों का सही चैनलाइजेशन सिस्टम नहीं हो पा रहा है, किसान अपनी बड़ी मेहनत फसल को मंडियों में ले जाता है पर वहां पर उसे दाम नहीं मिल पाते, जब उसको दाम नहीं मिलेंगे तो अगली फसल किसान मंडी में नहीं लेके आता। मान लीजिए मैं आज टमाटर ले आया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेरी फसल जो 15 दिन पहले तैयार हो गई उसको मैं मंडी में ले आया, मंडी में ले जाने के बाद मंडियों में बड़े बड़े स्टोर नहीं है जहाँ पे उस फसल को संभाला जा सके, तो उस फसल को ना संभालने की वजह से आड़ती उसका दाम नहीं लगा सके, उसका लेने वाला ग्राहक उसमें मौजूद नहीं होता, पर जब दूसरे दिन किसान अपनी फसल लेके नहीं जाता तो मंडियों में फसल में भाव बढ़ जाते हैं। अब अगर वही उसी मंडी के अंदर सरकार द्वारा कोल्ड स्टोर अगर होते तो किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोर में जमा कर देता, जिस दिन उसका सही भाव होता उस दिन वो बाजार में निकालने का काम करता, और सरकार एक नियम तरीके से जिसको हम बोलते हैं जैसे आज चीनी के भाव हम बढ़ने देते उसके सरकार एक लिक्विडिटी को बना के रखती है कि इतनी चीनी आपने मंडी में देनी देनी है, बाजार में देनी देनी है ताकि चीनी के दाम ना बढ़े, लोगों को आम जन को राहत मिलती रेशन से मोटी की तरह। इसी प्रकार सरकार सब्जियों के लिए अगर मंडियों के अंदर बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना दे
और जहाँ पे किसान को मान लीजिए आज भाव नहीं है तो किसान की सब्जी को कोल्ड स्टोर में जमा कर दे और सरकार का जो वहाँ पे जो सुपरवाइजर है उस पर ध्यान रखे कि अगर बाजार में डिमांड बढ़ती है तो अगर किसान उसको फसल को अंदर रखता है तो उसको रखने ना दे, उस फसल को बाहर निकाले ताकि बाजार में भाव ना पड़े। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मौसम को लेकर सरकार को आज हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सचेत होना होगा। अब समय आ गया है कि दुनिया को और पूरे भारत को अब खेती जो है उसका तरीका बदलना होगा कि अब हमारे को वन की खेती भी करनी होगी। यानी कि जो लकड़ियां हम अपने घरों में अपनी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सागवान की हो, शीशम की हो और अन्य लकड़ियां हो, पाइन की लकड़ी हो, उन लकड़ियों को किसान अपने खेतों में लगाए ताकि 10 से 5 वर्ष तक अगर वो पेड़ खेत में खड़ा होगा तो हमारे को पर्यावरण में एक राहत मिलेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि आज बादल तो बन रहे हैं पर बादल बरस नहीं रहे क्योंकि धरती के ऊपर हरियाली नहीं है। अगर हर देश धरती पर हरियाली हो, एक निश्चित तरीके से वन होते और बनाए होते, उनको किसानों को प्रोत्साहित किया होता तो आज पानी के लिए हम तरस ना रहे होते। अभी आपने देखा है NH1, NH2, NH45, NH152 तमाम बनाए रस्ते, और उन रस्तों पे आने वाले पेड़ों को तो हमने काट दिया पर क्या उसकी जगह हमने दूसरे पेड़ लगाए। यानी वन विभाग भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में फेलियर हमें होता नजर आ रहा है। आपको पता होगा जो NH1 था, आज NH44 हो गया, दिल्ली से लेके कश्मीर तक जो रास्ता जा रहा है यानी कन्याकुमारी जो आ रहा है, आज उस पर इतने पेड़ थे, हम जब उस पर निकलते थे हमें हरियाली नजर आती थी, आज वहां पे उजाड़ बियाबान के सामने कुछ नजर नहीं। लाखों करोड़ों पेड़ काटे गए पर उनके एवज में दूसरे पेड़ नहीं लगाए गए, ये भी सरकार का फेलियर है। तो इसलिए आज सबसे बड़ा पर्यावरण को बचाने का और कृषि उत्पादों में बढ़ती महंगाई को रोकने का एक तरीका है कि मंडियों के अंदर सरकार कोल्ड स्टोर बनाए जहां पे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके, और दूसरी कि सरकार द्वारा जो अंधाधुंध सड़कों को बनाने के नाम पर पेड़ों का जो कत्लेआम हुआ है उसकी जगह वन विभाग द्वारा तुरंत सड़कों पे पौधे लगाने काम करे और किसान को वन खेती करने के लिए उस प्रोत्साहित करे। हमारी भारतीय किसान यूनियन सेकुलर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस योजना में काम करने के लिए हम खड़े हैं और किसान की जो मांगे हैं उसके साथ भी हम खड़े हैं। पहले किसानों की जो समस्या है, जो लगातार किसान आंदोलन और द्वारा अपनी बात को रखने काम कर रहे हैं, सरकार उस तरफ ध्यान दे और भारतीय किसान यूनियन सेकुलर सरकार के साथ काम कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए जनहित में काम करने के लिए तैयार है। जी प्रवीण, गर्मी के सितम से बाजार से लेकर सड़कों तक सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसे में व्यापारियों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, कितना प्रभाव है उनकी आमदनी पर? भावना बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी को देखते हुए जो भी व्यापारी लोग हैं सुबह तो समय पूर्व दुकानों को अपने संस्थानों को खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो जो तापमान में बढ़ोतरी होती है, दिन चढ़ने लगता है, क्योंकि व्यापारियों को भी चिंता सताने लगती है और व्यापारी भी परेशान है क्योंकि जो ग्राहक है, जो खरीदार है, वो 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी बाजारों में नदारद हो जाते हैं, यूं कहें कि बिल्कुल नहीं दिखाई देते। हालांकि आज गंगा दशहरा है, काफी जगह जो है लोग छबील लगाकर लोगों को प्याज बुझाने का भी काम किया जा रहा है और माइक मान्यता है कि आज ही के दिन में जो गंगा है वो धरती पर उसने अवतरण किया था, धरती पर उतारी गई थी और भगवान श्री शंकर की जटाओं से ही उन्हें धरती पर उसको उतारा गया था। तो ये भी बड़ा पावन दिन है। सबसे बड़ी बात एक और है, आज देवर्षि नारद की जयंती भी है, उसको लेकर तमाम जिले में लगातार नारद मुनि के जो कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं, वहां भी लोग तो पहुंच रहे हैं लेकिन बाजारों में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण सबसे बड़ा प्रमुख है कि जो दुकानदार है वो लगभग 11 बजे से के आसपास अपनी दुकानों को शटर डाउन करके या तो आसपास की दुकान में बैठ जाते हैं, आसपास कोई धर्मशाला या वहां चले जाते हैं, या अपने जो नजदीक के घर के हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि 4 बजे के आसपास जब फिर तापमान में कटौती होती है, जब दिन ढलने लगता है, तो कहीं दुकानदार वापिस अपनी दुकानों पर आकर अपनी दुकानों को खोलते हैं, तब जाकर ग्राहक जो है वो भी, हालांकि उस समय भी लोग सपेरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय मौसम ठंडा हो जाता है या सूर्यदेव की दिशा बदलने से फर्क पड़ जाता है, लेकिन लू उतनी है, तापमान उतना ही है, लेकिन मजबूरन लोगों को अपने पेट भरने के कारण मजबूरन लोगों को अपने घर से बाहर अपने 2 पहिए के बाहर से 4 पहिए के माध्यम से उनको बाजारों में आना पड़ता है, लेकिन भयंकर लू का भी सामना करना पड़ता है, वो स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। हाँ ये जरूर है, लोग एक उम्मीद कर रहे हैं और एक कयास लगा रहे हैं कि जितना जल्द मानसून आएगा उतनी जल्द कहीं धरती ठंडी होगी, तब कहीं जाकर आप मिलेगी, लेकिन दुकानदारों का जो व्यापार है वो भी पूरी तरह से चौपट है,
और सबसे बड़ी बात है जो मजदूर तबके के लोग हैं जो सुबह असर बड़े बड़े चौराहे पर मजदूर मिला करते थे वो भी बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। उनका कहना है कि सुबह तो मौसम ठंडा होता है लेकिन जो ही 10 बजे से दिन चढ़ना लगता है तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो उनके लिए दो टाइम की रोटी जुटाना भी काफी मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात होगी आपने देखा होगा अक्सर सारे स्थलों पर रेड़ी या खुमचे वाले दिखाई दिया करते थे लेकिन जो जो दिन का तापमान बढ़ता है क्यों तो ये भी निर्धारित हो जाते हैं। स्थिति वही है सबके लिए बराबर है क्योंकि तापमान इतनी बढ़ोतरी होगी बढ़ चुका है कि 48 डिग्री तक सहन जो है वो सहन शक्ति कमजोर होगी क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इंसानों की कम होती जा रही है क्योंकि खान पान में कमी। सबसे बड़ी बात है कि मंडियों के ऐसा हालात देख लेते हैं मतलब बढ़ते तापमान के कारण सब्जियों के भाव इतना बढ़ चुके हैं कि हद से ज्यादा स्थिति भी बड़ी खराब हो चुकी है। मंडी में अगर सब्जियों की बात कर लेते हैं जो अक्सर सब्जियों में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे ज्यादा चीज है वो आलू प्याज और टमाटर जो 20 रुपए किलो मिला करता था आज वो 40 से 50 रुपए के किलो के भाव से मंडियों में जो रेट रेट मिल रहा है। और सबसे बड़ी स्थिति जगह मंडियों में सब्जी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है और ये देखे 2-3 सब्जी आ रही है तो वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि एक तो गर्मी का मौसम है ऊपर से सब्जियों में महंगाई और महंगाई के कारण सब्जियां भी नहीं है तो चारों तरफ स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है क्योंकि ये हम सब लोगों की कमी है। बिल्कुल सरकार को पहले से चेताना चाहिए लोगों को बता देना चाहिए कि आपको वृक्षारोपण को सबसे ज्यादा करना होगा क्योंकि पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए जरूरी है और हम सबको कहने का अथक प्रयास खुद को भी मिलकर करना होगा। सरकार क्या करती है कि सड़कें तो बना दी जाती है बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग भी बना दिए जाते हैं लेकिन बाहर जो लगातार जो बीच वृक्ष होते हैं उनको जो 100 साल पुराने वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं वो बिल्कुल काट दिए थे लेकिन उनके बदले वन विभाग की ओर से कागजों की खाना पूर्ति के चलते हुए सरकार का आदेश नहीं आया। अभी वन विभाग ने ये नहीं किया तो ये तमाम ये चीजें जो नुकसान दे रही है जबकि वन विभाग को खुद पहल करके ऐसे स्थानों पर जहां बंजर जमीन है जहां जब पौधारोपण किया जा सकता है और सामाजिक संस्थाओं के जिम्मे लगाया जा सकता है तो ऐसे लोगों को आगे लाकर उनको कम से कम इतना तो सहयोग बोले कि आप वृक्षारोपण तो कर रहे हैं वृक्षारोपण के साथ साथ इसकी देखभाल करनी भी हम सबका दायित्व बनता है क्योंकि वृक्षारोपण के साथ साथ जब तक हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो वो वृक्ष जो पौधा आप लगा रहे हैं वो पनप नहीं पाएगा वो कहने के खराब हो जाएगा जो कि बड़ी मेहनत से उसे नर्सरी में बनाया जाता है और लगाया जाता है। अक्सर लोग फोटो सेशन के कारण अपने पौधा रोपण तो करवा देते हैं लेकिन बाद में उसको वहां पर ना तो पानी दिया जाता है ना ही उसकी देखभाल की जाती है तो ये स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। तो ऐसे में तमाम सामाजिक संगठन और आम जनता को मिलकर भी अब खुद आगे पहल करनी होगी क्योंकि अगर मान लीजिए हरियाणा में 2 करोड़ लोग रहते हैं अगर 2 करोड़ में अगर एक व्यक्ति एक अच्छे एक भी पेड़ लगाता है तो आने वाले 5 साल में जो कहा जाता है कि 48 डिग्री जो तापमान है वो कहने के उसमें काफी भारी मात्रा में कटौती देखी जा सकती है लेकिन ये तब होगा जब हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। जी भावना आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है अब जनता मानसून का इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।